चिकन का चौटेल काकड़ा कैसा है? काकड़ा बहुत अच्छा है, काकड़ा से हमको एनर्जी मिलता है। ओ हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? उदय अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। हेलो गाइस, नमस्ते आप सभी लोगों को। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। गाइस ये जो व्लॉग है यार, इसमें आज क्या है कि आपने आप लोगों को थंबनेल से पता चल चुका होगा आज क्या है। अभी मैं चर्च से घर लौट रहा हूँ गांव की तरफ, और वो काम करना है आज। गांव क्या है कि हर एक ईयर हम 15 अगस्त से थोड़े पहले में गांव सफ़ा करते हैं, साफ क्लीनिंग ड्राइव होता है हमारे गाँव में, तो आज वही है। और अभी मेरे साथ है मेरा दोस्त अनमोल, जो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है। तो हम लोग अभी घर लौट रहे हैं धीरे धीरे, तभी वो अपने घर में जाएगा नीचे से, मेरा थोड़ा ऊपर में है, तो उधर ही चल के आप लोगों से बात करता हूँ मैं। तो लेट्स गो। तो अभी मैं अपने गांव के रास्ते में आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं, तभी गांव की तरफ जा रहा हूँ। तो एवरी ईयर हमारे जो गाँव में क्या है कि क्लीनिंग का ड्राइव होता है, हम लोग गैदर होते हैं और क्लीनिंग करते हैं ये गांव का जो रास्ता होता है वो रास्ता। तो आज भी वही है, तो आपको दिखाता हूँ कैसा रहता है, आप लोग भी इंजॉय कीजिए, देखिए। ओके इधर साफ हो रहा है, आप देख सकते हैं, इधर में हमारा जिमर बॉय, इधर में डॉन नंबर वन। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी बज चुका है 11, और अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर सफाई के लिए। तो ऊपर में थोड़ा हमारा जो गांव के लोग हैं वो गैदर हो चुके हैं, आधे रास्ते में आधे हैं, नीचे में आधे हैं, साफ़ कर रहे हैं अपना अपना ब्लॉक। तो हम भी जाते हैं उधर में, थोड़ा काम हाथ देते हैं, हाथ बताते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, थोड़ा सगाते हैं। उतना हिंदी बोलना नहीं आता, बस प्रैक्टिस कर रहा हूँ आप लोगों से बोलते बोलते, ठीक है। तो चलते हैं ऊपर की तरफ। तो अभी हम लोग हो चुके हैं रेडी, जैसे कि आप देख सकते हैं आज का वेदर कैसा है, बहुत गर्मी है आज, बहुत धूप लग रहा है। तो इधर में हो रहा है काम, बाकी लोग आ रहे हैं तो हम भी थोड़ा साफ करते हैं, ठीक है। तो गाइस अभी बहुत गर्मी है, तो हम लोग इधर काकड़ा खा रहे हैं। काकड़ा के भन्छौ हिन्दीदेखि? काकड़ा के भन्छ हिन्दीदेखि? खीरा। इधर में हमारे अंकल हैं, वो भी खा रहे हैं, बच्चे लोग भी है, सब लोग हैं इधर। आज आज सफाई करने के लिए सब लोग हैं, पीछे में काकड़ा बाढ़ रहे हैं, सफाई भी हो रहा है। जो काकड़ा को ना वो लाल मिर्च डाल के थोड़ा क्या बोलते हैं देखो न कौन अंदर। तो इधर में भी है भाई, काकड़ा खा रहा है। काकड़ा देखो, भाई का नाम बता दो। निखिल है मेरा नाम। इधर में है हमारा दूसरा भाई, मेरा नाम ईशान है। काकड़ा कैसा है? काकड़ा बहुत अच्छा है, काकड़ा से हमको एनर्जी मिलता है। गर्मी में फुल डोज एनर्जी मिलता है काकड़ा से, एनर्जी डोज नेचुरल एनर्जी बूस्ट। अभी इधर में हो रहा है काम, तो के खा के उधर में हाथ बढ़ाते हैं। इधर में अभी साफ़ किया है मैंने, झाड़ू लगाया है, अभी ऊपर में लगाता हुआ जाऊँगा, तो क्या क्या काम है देखते हैं। देखिए प्लास्टिक से बोरा भी भर चुका है, देन मोर प्लास्टिक है। मेरा दोस्त अर्पण है गांव का, इसने इधर कच्चा छोड़ दिया है, बोलता हूँ ये ले ले, नहीं लेता, ये फैल दिया इसने।
ओ के गरेको क्या करना चाहते हो तुम कच्चा फल के रास्ते रास्ते में जो वो अंडरवेयर था इधर में डाल दिया है वो लकड़ी इस लकड़ी की हेल्प से इधर डाल दिया है अंदर में और ये दूसरा बोरा सैक अभी हो रहा है सफाई सब लोग को सब चीज़ से यहाँ नहीं किधर में सब्जी ये क्या है इसको क्या बोलते हैं हिंदी में करेला नहीं भाई सिक्किम को करेला चुच्चे करेला ए है ना के भन्छ त्यसलाई चुच्चे करेला भन्छ होइन उहीलाई चटेला सिक्किम का चटेला ये भी सब्जी है सिक्किम का इसको बोलते हैं मुंटा सिक्किम में देख सकते हैं आप लोग इधर बच्चे लोग भी आ गए हैं इधर साफ करने के लिए हेलो बोल दीजिए भाई हेलो सो टायर्ड इधर में छोटी बहन भी आ गई है बस 12 वर्ष की है ये बहन ठीक है साफ करने आ गई है उसके साथ उसकी नेबर भी आ गई है इधर में है फुकू इधर में 40 वर्ष का अंकल जी हेलो अंकल जी ये होममेड झाड़ू है आप लोग देख सकते हैं आप क्या कह रही थी आपको थोड़ा काम करके करते हुए वीडियो करना था ना अरे भाई भूख लग गया था मेरे को बहुत से ज्यादा यार हाथी दौड़ रहा पेट में कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं A few minutes later. सब्सक्राइब नहीं किया तो मार दूंगा ठीक है इसको बोलते हैं हसिया नेपाली में पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग कच्चा बोल समथिंग कच्चा हाँ कच्चा बोलते हैं आप लोग शायद तो इससे हम लोग साफ कर रहे हैं घास काट रहे हैं ग्रास वगैरह प्लांट्स वगैरह काटूंगा आप लोगों को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों को भी काट डालूंगा मैं भाई क्या कर रहे हो अभी झाड़ू मार रहा हूँ हाथ में क्या पकड़ा हुआ है उदय कोदालो है कंट्रोल उदय तो ऊपर में हो रहा है थोड़ा काम और इधर जो नाली है इधर नाली में थोड़ा क्या है कि ये प्लांट्स वगैरह डिस्पोज कर दिया है तो इधर ये बोरा में डालना पड़ेगा इधर इधर का और पता नहीं यार पेड़ में एंस चल रहा है शायद तो इधर में छोटे भाई साहब इधर मेरे पेड़ में चल रहे हैं आप देख सकते हैं उसको निकालना पड़ेगा छोटे भाई साहब को गिर गया इधर में फिर से काकड़ा भर रहे हैं फिर से काकड़ा खाते हैं गर्मी में विंटर का एहसास जैसे कि आपको मैं बोल रहा था इधर में खुरसानी के साथ ये अच्छा होता है काकड़ा खुरसानी और खा भी लिया हमने खा भी लिया फायरबॉल नेपाली में कहते डल्ले खुरसानी हम लोग सब लोग काकड़ा खा रहे हैं इधर में काकड़ा यसलाई हिन्दीमा के भन्छौ काकालाई ककुरी काकुरी बोल्थे क्युकम्बर इङ्ग्लिसमा त पता है क्युकम्बर बोल्थे यसको हिन्दीमा नै पता मेरो बोल्थे बोल्थे आप लोग को भी एक क्युकम्बर खाना का मन कर रहा होगा नहीं दे सकता मैं ठीक है नहीं दे सकता मैं नहीं दे सकता इसे बोलते हैं खास काकड़ा क्यूकम्बर
मिलता है। इधर से निकला हुआ है काकड़ा, कोक भी आ गया। थोड़ा स्पाइसी हो गया। इधर में मेरा कोक तुम्हारा है। की गोर है भाई रामड़ी थापा। तो हम लोग काकड़ा खाकर भी फिर से इधर में ये जो सीरी के आसपास में है वो सब महिला जो है वो भेला पार के वो गैदर करके हम लोग इधर में डाल रहे हैं। ठीक है, तो बाकी लोग ऊपर में वो गैदर कर रहे हैं, हम लोग इधर में डाल रहे हैं अंदर में। इस बोरा में देख सकते हैं आप लोग, और धूप देखिए गाइस कितना है धूप। मैं भी बहुत सफ़ेद दिख रहा हूँ लेकिन इतना सफ़ेद नहीं हूँ। ठीक है, मैं धूप की वजह से बहुत धूप लगा हुआ है, आप देख सकते हैं रास्ते में कितना धूप पड़ रहा है। और ऊपर में काम कर रहे हैं। तो जो काकड़ा था वो इधर से लाए थे हम अभी, और नीचे में एक घर में दिया था काकड़ा, तो उधर में ही काकड़ा मांग लिया और खा लिया सब लोगों ने। जैसा ही है, गाँव के जो लोग होते हैं वो साफ दिल के होते हैं। देख लिया आपने एग्जाम्पल, काकड़ा फ्री में मिल गया। तो आप लोग भी गाँव आइए, काकड़ा फ्री में खाइए। मजा कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं देंगे आप लोगों को स्ट्रेंजर्स को। मतलब कि देंगे अगर आप अच्छे से मांगेंगे, काकड़ा चाहिए बोलेंगे तो भाई हल्ला मत करो, इधर बोरा था वो। ये लो। A few moments later. तो देख सकते हैं आप लोग इधर में वाइल्ड कॉकरोच भाग रहा है। ये जंगली कॉकरोच है, ये ऐसे ही नहीं मिलेगा, कॉमन नहीं मिलेगा, ये जंगल में मिलते हैं। तो जो काकड़ा था वो इधर के अंकल जी ने दिया था हम लोगों को इधर में, इधर से। ठीक है, तो अंकल जी बैठे हुए हैं इधर में, हम लोग साफ सफाई कर रहे हैं। बाकी लोग ऊपर बहुत ऊपर में है, इधर में यार उठा के अंदर डालना पड़ेगा, इतना इतना भारी हो चुका है ये सैक। ये मेरा दोस्त है, बहुत लेजी है, आज काम करने को पता नहीं कहाँ से आ गए, मेरे से भी जल्दी आ गए। मेरे को जानता नहीं है। इधर से हमारा गांव इधर से आए और इधर से रोड पहुंचते हैं। तो इधर में साफ सफाई हो रहा है, अभी ख़त्म होने वाला है काम, सब काम। तो गाइस ये झाड़ू मेरे को मिल चुका है, किस किस के घर में झाड़ू लगाना है मेरे को कमेंट में बता देना, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, लेकिन पर आवर का 50 रुपीज़ लूँगा, 50 रुपीज़ नहीं 500 रुपये लूँगा। ठीक है, पीछे में है बोका दोस्त, आप लोग जानते होंगे, ये फेमस है, क्वाइट फेमस है सिक्किम में। कैसा है तू, ये थोड़ा पागल है, अकेला चलता है, किसी से बात नहीं करता। अभी मैं किसी से ये ऐसा करूँगा तो भाग जाएगा, खाएगा, सुन रहा है। ठीक है, खाने का चीज कभी नहीं सुनना चाहिए। ठीक है गाइस, अभी ख़त्म होने वाला है काम, हम लोग रोड पहुँचने वाले, दिखा दो कैमरामैन दिखा दो। हाँ, तो अभी हम लोग रोड पहुँचने वाले हैं काम करते करते, तो चलते हैं। ये भी चलाते हैं। ठीक है, अभी ये ख़त्म होने वाला है, आप लोग उधर ऊपर में देख सकते हैं, ऊपर में रोड है। और इधर में आप देख सकते हैं, आपने 2-3 व्लॉग में देखा होगा, मैं जब भी व्लॉग बनाता हूँ ये देखा होगा। इधर में एक्चुअली बकरी का जो बकरी पालते हैं, इधर में पालते हैं अंकल लोग, तो इधर में बकरी का खोर है। सब लोग एंडिंग लेट्स गो, पूरी आदत हम का नहीं ना वो पार्टी इट्स पार्टी टाइम। ये ले ना ऑर्गेनिक झाड़ू चाबी कम घिसते ला। ए सॉरी वेरी वंस मोर काकड़ा हो काकड़ा क्यूकम्बर चुप खत्म हो गया ऑर्गेनिक झाड़ू। अभी रास्ता दिखाना पड़ेगा, कैसा साफ किया है रास्ता, फुल टॉस साफ हो गया है रास्ता। इधर में हमारा जय जवान जय किसान झाड़ू।
छाता का काम भी कर देता है ऑर्गेनिक झाड़ू। देख सकते हैं ये बनाया किसने ऑर्गेनिक झाड़ू मेकर ऑफ दिस ऑर्गेनिक झाड़ू। आपको भी ऑर्डर करना है तो कर दीजिएगा। फोन दिनु ना मम्मी ला कॉल कर दिन्छु। मम्मी टेडी बनाएर राख्नु खाना। आज इनके पास है पूरी पूरी आलू दम खाना। अभी इसके पास में है खाना। इसके बाद में मेरे पास पूरी 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 आलू दम है। ऑर्डर कर रहा है क्या क्या खाओगे? चिकन चिल्ली लोकल रक्सी हेर्नु त पोलहरूको साफ गर्दै रहेछ। आज हो गया झाड़ू डे। संडे नहीं झाड़ू डे। तो यार रास्ता देखो, रास्ता फुल तो साफ हो गया है। देख सकते हैं आप लोग। कमेंट में बताना कैसा है रास्ता। तो आप लोग रास्ता देख सकते हैं कितना अच्छा है। रास्ता कितना अच्छा है। बोले बोले हर हफ्ते ऐसा नहीं होता है। उसी जगह का ठूटा फेंकता है। एक बरस ठूक फेंकता है। एक बरस में बस एक बार होता है ना। एक बरस में एक बार होता है लेकिन अच्छे तरीके से होता है। हाथ में ठेला भी आ गया है देख सकते हैं आप लोग। कैमरा जूम करके दिखाओ भाई। इतना तो हम लोग का घर में भी घिसता रहेंगे। क्या बोले इतना धूप है आज। फिर आज संडे तो फंडे है लेकिन आप लोगों को कमेंट में बताइएगा संडे फंडे या झाड़ू डे। ये वीडियो देख के बताइए। तो ये हमारा खेतबाड़ी आप देख सकते हैं। ये खेतबाड़ी है। इधर में क्या है कि इधर में फुटबॉल खेलते हैं बच्चे लोग। आपको दिखाता हूँ मैं। वेट करिए। चलिए नीचे चलिए। इधर में है दुकान। उधर में भी दुकान है हमारी आंटी का। उधर इसी बिल्डिंग में रहता हूँ मैं नीचे रेंट में। ठीक है। तो अभी आपको दिखाता हूँ मेरा हमारा खेत गांव का। तो ये खेत बाड़ी जहाँ आप लोग देख सकते हैं कैसा है। यहाँ पे खेत में उगाया नहीं क्योंकि वहाँ पे फुटबॉल खेलता है। हाँ इस इधर में घास अच्छे से काटते हैं आंटी जी आंटी लोग क्योंकि इधर में फुटबॉल वगैरह खेलते हैं क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। सीजन में चेंज होता है इधर का स्पोर्ट्स। लेकिन 90% लोग इधर फुटबॉल ही खेलते हैं सीजन में भी। तो देख सकते हैं रास्ता कितना अच्छा हो चुका है कितना साफ़ हो चुका है। आप लोग कमेंट में बताइए कितना साफ हुआ है रास्ता। जापान को भी मात दे चुके हम लोग। जापान को भी पीछा छोड़ चुके हैं सफाई में। जापान को सफाई में पीछा छोड़ लेकिन हाफ पैंट तो लगा के सफाई। इधर में बहुत सारा बिल्डिंग है घर है देख सकते हैं आप लोग। मैं थोड़ा ऊपर ये बिल्डिंग है दिख रही है। इधर में है मेरा घर और इधर नीचे में ऐसा है दुकान वगैरह है और इधर थोड़ा बड़ा सा बिल्डिंग है। आउंदेसु मो। इधर में पूरी मेरा दोस्त देखिए कितना जल्दी आ गया दौड़ते। ओ तुम्हें इतना जल्दी इसलिए था खाने के लिए था। देखो इधर क्या है आज खाने में। ऑर्गेनिक जब इधर रख देते हैं। ठीक है अंदर चलते हैं। तो अभी इधर हम लोग 5-star होटल में है देख सकते हैं। पूरी वगैरह इधर मेरी दीदी भी खा रही है। छोटू दी खा रही है। ये खत्म करने वाला है देखिए। A few moments later माइक वगैरह जोड़ रहे हैं थोड़ा प्रोग्राम करने के लिए। और बच्चे लोग इधर में फुटबॉल खेल रहे हैं आप लोग देख सकते हैं। और खाना हम लोगों ने इधर में खाया है। तो अंकल जी थे हमारे अंकल जी जिसने ये ऑर्गेनाइज किया था। ये साफ सवेरा जो करने वाला था ड्राइव अंकल जी ने स्टार्ट किया था बात किया था और हम लोगों ने किया। ठीक है। तो इधर में सब लोग खा रहे हैं। आराम मिल गया पेट को थोड़ा सा ठंडक मिल गया। ये भी खत्म हो गया देख सकते हैं आप लोग। तो अभी हम लोग ये जो बैनर है पोस्टर है ये लगा रहे हैं। ठीक है देख सकते हैं। और बाकी लोग इधर में गैदर हो चुके हैं सीनियर सिटीजन लोग। तो जैसे कि आप लोग पढ़ सकते हैं लिंदिंग माने जा रहा गैंगटोक सिक्किम। ये हमारा ये एड्रेस है।
सो ये आज़ादी का अमृतसर महोत्सव था, इसमें हम लोगों ने हर घर तिरंगा लगा चुके हैं। तो ऐसा है, आप देख सकते हैं अभी इधर थोड़ा प्रोग्राम होगा, स्पीच वगैरह होगा दा का, तो सुनते हैं थोड़ा क्या होगा, देखते हैं ठीक है। और घर जाएंगे यार, बहुत टीचिंग हो रहा है, बहुत गर्मी की वजह से पसीना बहुत आ रहा है, ठीक है। दैमी अच्छा हो गया। कितना फोटो खींचोगे? हो गया झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहां लौट के वापस जा। हात नै दुख रहा तो आज का जो प्रोग्राम था वो खत्म हो चुका है, मैं भी घर लौट रहा हूँ। घर पहुँच के यार थोड़ा नहाना पड़ेगा यार, बहुत गर्मी हो रहा है, बहुत इचिंग भी हो रहा है, वो पसीना वो डर्ट की वजह से। तो थोड़ा नहाएंगे ठीक है, आपको मैं स्ट्रगल दिखाता हूँ कैसे नहाता हूँ मैं, ठीक है। तो चलते हैं मेरे घर की तरफ, इधर में ही मेरा घर देख सकते हैं आप, उधर में की बिल्डिंग। आंटी ठीक हुनुहुन्छ? तो आप लोग देखिए ये ताला जो है खोलना पड़ेगा, ठीक है यार। ये जो रूम है ये बीच में है ना, तो बीच में है तो बहुत अंधेरा है इधर में, देखिए बहुत अंधेरा है, ठीक है। ये भूत बांग्लादेश है। तो अभी आ चुका हूँ घर में, तो इधर का लाइट बाल देते, इधर का मार देते, क्योंकि इधर का उधर का उतना यूज नहीं है। बस यही एक रूम है जो बहुत उजाला है, ठीक है। तो मेरा जो तौलिया है वो इधर है, टॉवल। तो अभी थोड़ा नहाते हैं, नहा के ब्लॉग एंड करूँगा, ठीक है। आप लोगों को दिखाऊँगा कैसे नहाता हूँ मैं, स्ट्रगल दिखाऊँगा कैसा है मेरा, ठीक है। तो पहले बता दूँ यार, मैंने ये जो कपड़ा है ये कपड़ा धो के इधर रख दिया है, टॉवल भी इधर ला लिए, लेकर आ चुका हूँ नहाने के लिए। अभी थोड़ा देखिए यार गाइस, बादल देख के पता चल रहा होगा बारिश होने वाला है, लेकिन गाइस बारिश थोड़ा थोड़ा हो रहा है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बरस रहा है बारिश, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, बैड लक। लेकिन कैसे भी करके नहाना तो पड़ेगा यार, ठंडे पानी से, भी ठंडे पानी से, गर्म पानी से नहीं, ठंडे पानी से। तो इधर आता है हमारे कल में पानी, ठीक है। तो इधर से उधर बाथरूम उधर है, वो दिख रहा है आपको, उधर बाथरूम है। तो उधर में पानी जोड़ के, तो इधर पाइप वगैरह है, तो उधर में जोड़ के वो बाथरूम में पानी आएगा। तो आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए इधर में पाइप, लंबा पाइप, ये पाइप जो है इसको उधर में जोड़ना पड़ेगा। तो जो ये पाइप है, ये पाइप इधर दूसरे वाले इधर बाथरूम के पाइप में लगाना पड़ेगा। डन। तो ये हो चुका है, जो ये दूसरा पाइप है ये वाला, इसको इधर में, इधर जो कल है इधर में लगाना पड़ेगा ऐसे।
से तो हो चुका है थोड़ा। ये लॉल यही जुगाड़ करना पड़ता है हमेशा। ठीक है तो ऐसा ही है, नहीं तो यही यहाँ पानी नहीं होगा तो यार ऊपर धारा में जाना पड़ेगा नहाने के लिए। ओके तो ये कपड़े वपड़े लेगा ले जा ले लेता हूँ पहले। अरे मत पूछना कब कच्चा किधर रखा है यार, आप लोगों को कच्चा नहीं दिखूंगा ठीक है, मेरे जेब में है कच्चा, नहीं इधर कच्चा छोड़ दिया है। तो इधर में है बाल्टी, आप देख सकते हैं इसमें ही पानी भर के नहाऊंगा मैं। जग भी इधर में ही है और जो जूट है इधर में ही है नहाने के लिए। तभी बाथरूम में चलते हैं नहाने के लिए ठीक है। तो ऐसा है ठीक है, नहाना पड़ेगा। तो ये जो पाइप था बाहर में ये पाइप ऐसे इसे लगाना पड़ेगा इसको ऐसे, अंदर में इसमें पानी आएगा उसमें भरेगा और नहाऊंगा मैं ठीक है। ऐसा ही स्ट्रगल है ये। तो कपड़े तो पहले इधर में डाल देता हूँ मैं, नहाने के बाद ये लगाना पड़ेगा ना यार, एक हाथ से करना बहुत मुश्किल है। 2000 years later. तो नहाने के बाद जो कपड़ा लगाना है वो लग चुका है, मैं लग चुका हूँ। टॉवल भी इधर में है और पानी इधर में भरेगा ठीक है। तो पहले तो पानी ऊपर से खोलना पड़ेगा, तो कच्चा भी इधर रखती है ठीक है। अभी देखिए बारिश हो रहा है, अभी थोड़ा आपको सुनाई दे रहा होगा बारिश होने हो रहा है। तो गाइस अभी मैं ये पानी खोलूँगा और नहाने जाऊँगा ठीक है। तो नहाने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ मैं। तो गाइस मैं नहा के आ चुका हूँ और जो मेरा कपड़ा था वो क्या बोलते हैं गंदा वाला कपड़े वो मैंने भिगो दिया है सर्फ में उधर में। तो आपको भी नहीं दिखाऊंगा ठीक है, सब कुछ नहीं दिखाऊंगा भिगोया हुआ अभी कपड़े। तो आज के ब्लॉग के लिए गाइस बस इतना ही था। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया और आप ऐसा ही ब्लॉग पसंद करते हैं तो भाई मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपका भाई ऐसा ही चैनल नहीं रे बाबा, आपका भाई ऐसा ही वीडियो लाता रहता है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम सभी लोग ठीक है। तो अभी के लिए बाय बाय, टाटा एंड सायोनारा, पीस आउट, जय हिंद। भाई यार शेयर भी कर दो हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो सब्सक्राइब नहीं कर तो मार दूंगा ठीक है, पता चल गया है ना। ओके okay.